ಅನುದಿನಾ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ ಯೆಸ್ ಸರ್ ಯೆಸ್ ಟೀಚರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮ್ಯಾಮ್ अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातु। बच्चों, इस एक क्लास संवेदा में मैं निखत नजम फातिमा मावीन मौलिमा गवर्नमेंट हाई स्कूल बॉयज़ आप तमाम तुलबाबा तालिबात का खैर मुकदम करती हूँ। बच्चों, हमारी एक क्लास जमात नहुम के मज़मून इल्मी रियाजी से वाबस्ता है और आप लोग जानते हैं कि बाब नंबर 15 इल्म रियाजी में एहतमाल पर मबनी है और एहतमाल की हमने ऑलरेडी 2 क्लासेस की हैं और बच्चों ये हमारी तीसरी क्लास है। इस क्लास को शुरू करने से पहले मैं आप तमाम तलबा व तालिबात से कुछ सवालात करना चाहती हूँ। बच्चों, बताइए कि क्या आप खेल खेलते हैं? जी, सभी बच्चे खेल खेलते हैं। हाँ, ठीक है, आइए दूसरी सवाल की तरफ। मेरा दूसरा सवाल है कि आप कौन कौन से खेल खेलते हैं? जवाब, आप कौन कौन से खेल खेलते हैं? फुटबॉल, क्रिकेट, टेनिस वगैरह, आप ये खेल खेलते हैं। वेरी गुड। अब आइए बच्चों तीसरे सवाल की तरफ। मेरा तीसरा सवाल है कि बच्चों, अगर आप क्रिकेट खेलते हैं तो ये किस बात पर मुनहसर है कि आप बैटिंग या बॉलिंग करेंगे? तो जवाब क्या होगा? जवाब ये होगा कि आप, जी बिल्कुल सही, कि आप टॉसिंग की बुनियाद पे आप बैटिंग या बॉलिंग करेंगे। बच्चों, इस टॉसिंग का जो हमारा काम है, इस काम को लेते हुए हम हमारे सबक की तरफ आते हैं। टॉसिंग यानी एक सिक्के को उछालना। जी, अब यहाँ पे हम एक सरगर्मी करते हैं। बच्चों, सरगर्मी इस तरीके से है, इस सरगर्मी में हमको जिस तरीके से टॉसिंग में सिक्का उछाला जा रहा था, इसी तरीके से यहाँ पर सिक्के को उछालना है। एक सिक्के को एक मर्तबा उछालिए, एक सिक्के को दो मर्तबा उछालिए और इसी सिक्के को 10 मर्तबा उछालते जाइए और आने वाले हेड और टेल की तादाद का जदवल में इंदराज कीजिए। बच्चों, ये रहा हमारा जदवल। इस जदवल में हमें इंदराज करना है। इसमें सबसे पहले सिक्का उछाले जाने की तादाद, ठीक है, और इसके बाद यहाँ पे समझो हिट की तादाद 7 है, यानी कि सिक्का उछालने पर हमें हिट की तादाद 7 मिल रही है और 3 दफ़ा टेल आना है। इन तमाम को हमने जदवल में दर्ज किया। अब आइए बच्चों आगे की तरफ हल करते हैं। देखते हैं, यहाँ पे हमें हेड का एहतमाल मालूम करना है। हेड का एहतमाल मालूम करने के लिए हम सबसे पहले जदवल को लिख लेते हैं और हेड का एहतमाल मालूम करने के लिए जाब्ते का इस्तेमाल करते हैं। हेड आने का एहतमाल, बच्चों आप जानते हैं कि हेड की तादाद कितनी है बच्चों जदवल में? 7। वेरी गुड, 7/10, ये हमारा हेड आने का और सिक्का उछाले जाने का तादाद है। अब आइए हम टेल की तरफ आते हैं। टेल की तादाद कितनी है बच्चों? 3, ठीक है। तो टेल का इस्तेमाल मालूम करने के लिए देखिए जाब्ता है 3/3। इस तरह से टेल आने का इस्तेमाल मालूम करने के लिए हमारे पास जाब्ता है 3/10। बच्चों, अब इन कसूर की कदर मालूम करते हैं, यानी कि 7/10 जो हमारे पास हेड आने की तादाद है। तो हेड आने का इस्तेमाल मालूम करने के लिए आप तो जानते हैं कि नसबनुमा में एक सिफर है और शुमार कुनिंदे में सीधे हाथ की जानिब से एक मुकाम के बाद अशारिया लगेगा, तो 0.7 इसका जवाब आएगा। बच्चों, इस 0.7 को हम जदवल में दर्ज करते हैं, जो 0.7 इस तरीके से मैंने ऊपर की जानिब दर्ज किया।
ठीक है, अब आइए बच्चों टेल की तरफ। टेल का इस्तेमाल हमें मालूम करना है। टेल का इस्तेमाल मालूम करने के लिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो 3/10 है, 3/10। तो 3/10 जो है बच्चों, इसमें भी नसबनुमा में एक सिफर है और शुमार को निर्णय में 3 है, तो सीधे हाथ की जानिब से एक मुकाम के बाद अशारिया लगेगा, यानी कि 0.3 इसका जवाब आएगा। इस 3 को भी हम ऊपर की जानिब जदवल में लिख रहे हैं। तो बच्चों यहाँ पे हमें एक क्या है, जदवल तैयार करना है। इस जदवल में हमें तमाम कीमतों का दर्ज करना है, तमाम कीमतों को दर्ज करना है, यानी कि सिक्का उछाले जाने की तादाद कितनी है, हेड आने की तादाद कितनी है, टेल आने की तादाद कितनी है और इस्तेमाल की खतरें कितनी कितनी आई। और इसी के साथ हमें ये भी देखना है कि हेड और टेल की जो कीमतें हैं उनका मुआयजना करने के लिए उन कीमतों पर भी हमें नज़र रखना पड़ता है, जो 0.7 है और 0.3 है। ठीक है, आइए हम इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। बच्चों जिस तरीके से सरगर्मी 1 में हमने सिक्के को उछाला था, ऐसे ही अगर सिक्के को हम बार बार उछालते जाएं और इसी तजुर्बे को दोहराते जाएं, तो बच्चों यहाँ पर हेड और टेल आने का रिक्तदाद को रिकॉर्ड करते जाएं और फिर मुतालिखा कसूर और तमाम मुतालिखा कसूर की खदरें मालूम करते जाएं, तो बच्चों हमें ये नतीजा अख्ज़ होता है कि मुतालिखा कसूर की खदरें 0.5 के करीब होती जाती हैं। ये सिर्फ सिक्के के लिए है, यानी कि हम यहाँ पर सिक्के को बार बार उछालना है, तजुर्बे को बार बार दोहराना है। देखिए सिक्के को बार बार उछालना है, तजुर्बे को बार बार दोहराना है। तो जब सिक्के को बार बार उछाला जाता है बच्चों, तजुर्बे को दोहराया जाता है, तो उसी हालत में जो है ना, सिक्के में ये तमाम मुतालिखा कसूर की खदरें 0.5 के करीब होती जाती हैं। अब आइए हम देखते हैं कि किस तरीके से ये खदरें 0.5 की तरफ होती हैं। और इसी तरीके से बच्चों ट्रायल की तादाद को बढ़ाते हुए हम 500 में भी इस कीमतों को हासिल कर सकते हैं, 500 में भी इन कीमतों को हासिल कर सकते हैं। आइए करते हैं और हल करके देखते हैं सरगर्मी 2 कि किस तरीके से सिक्के में कीमतें 0.5 के करीब होती जा रही हैं। ठीक है, तो सरगर्मी 2 बच्चों, यहाँ पे हमारे काम को हम 3 राउंड में तकसीम करना है, पहला राउंड, दूसरा राउंड और तीसरा राउंड। अभी जो है सिक्का उछाले जाने का पहले राउंड के बारे में हम काम कर रहे हैं। यहाँ पर हर दफ़ा सिक्के को 15 दफ़ा उछाला जाना है, यानी कि सरगर्मी 1 की तरह। सरगर्मी 1 में हमने क्या किया था, सिक्के को 10 मरतबा उछाला था। बिल्कुल इसी तरीके से बच्चों इस पहले राउंड में, यानी कि पहली दफ़ा सिक्के को 15 दफ़ा उछालना है और आने वाले हेड और टेल की तादाद को जदवल में दर्ज करना है। आइए देखते हैं कि किस तरीके से सिक्के को 15 दफ़ा उछालने पर हमें हेड और टेल की तादाद नतीजे के तौर पे जाहिर होती है। देखो बच्चों, ये हमारा जदवल है जो कि मैंने सरगर्मी 1 में तैयार किया था, वैसे ही ये भी जदवल है बच्चों। इसमें जो है सिक्के को उछाले जाने की तादाद है, हेड आने की तादाद है, टेल आने की तादाद है और एहतमालों की कसर को हल करने के बाद जो जवाब आता है उस कसर की खदर को भी लिखने के कॉलम हैं। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पर सिक्का उछाले जाने की तादाद आ गई 15 दफ़ा और यहाँ पर बच्चों हेड आ रहा है 3 दफ़ा और टेल आ रहा है 12 दफ़ा। अब आइए हम हेड आने का एहतमाल मालूम करते हैं। हेड आने का एहतमाल मालूम करने के लिए बच्चों आपको तो जब्ता मालूम है, जब्ते की मदद से हम यहाँ पे हल करते हैं हेड आने का एहतमाल। हेड की तादाद कितनी है बच्चों, वेरी गुड, 3 और
चक्कर कितने दफ़ा उछल गया? 15 दफ़ा। तो 3/15, जब बच्चों 3 को 15 से तकसीम किया जाता है तो हमारा जवाब आता है 0.2। इस 0.2 को हम ऊपर जदवल में दर्ज करते हैं, 0.2, ठीक है। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। देखो बच्चों कि टेल का इस्तेमाल मालूम करते हैं कि टेल का इस्तेमाल क्या है। बच्चों टेल की कीमत कितनी है, यहाँ पे जाहिर होने की तादाद कितनी है? 12। जी बिल्कुल सही। आइए टेल का इस्तेमाल मालूम करते हैं। बच्चों टेल का इस्तेमाल मसावी है, 12/15। वेरी गुड, 12/15। अब बच्चों 12 को 15 से तकसीम कीजिए। जी 0.8। 0.8 को बच्चों हम ऊपर जदवल की तरफ दर्ज करते हैं, 0.8। तो एक नज़र डालिए आप जदवल पे, इस तरीके से हमारा जदवल जो रेडी हुआ है बच्चों उस पे नज़र डालिए। एक मुआयजना कीजिए कि क्या है, 15 दफ़ा सिक्का उछाला गया है, हिडाने की तादाद है, हिडाने का इस्तेमाल है, और इसके बाद टेल आने की तादाद है और टेल आने का इस्तेमाल है। बच्चों मैंने पहले ही आपसे कहा था कि इसमें कितने राउंड है, 3 राउंड है बच्चों, 3 राउंड है। तो ये पहले राउंड का है। ये पहले राउंड का हम क्या है, एक बड़ा जदवल बनाते हैं इस तरीके से। जी इस जदवल में बच्चों पहला राउंड और दूसरा राउंड और तीसरा राउंड इस तरीके से सभी का इंदराज करते जाएंगे। तो हमने याद करिए, पहले राउंड में जो आई थी कीमतें वो इस तरीके से थी, यानी कि 15 दफ़ा सिक्का उछाला गया था और इसमें हेड 3 दफ़ा आया था और टेल 12 दफ़ा। वेरी गुड बच्चों। अब इहतमालों की कदर भी हमने हल की। जी बोलिए, इहतमालों की कदर भी जो हमने हल की 3/15, यानी कि बच्चों इसका जवाब हमारे पास 0.2, और 12/15 जो हमने हल किया था उसकी कीमत आई 0.8। तो इस तरीके से पहला राउंड पूरा मुकम्मल हो गया। बच्चों अब आइए दूसरे राउंड की तरफ। दूसरा राउंड भी पहले राउंड की तरह ही करना है और इसमें भी जो है ना बच्चों 15 दफ़ा सिक्के को उछालना है, और सिक्के को 15 दफ़ा उछालने के बाद जो भी हासिल शुदा हमारे हेड और टेल की तादाद जाहिर होती है, जी इन तादाद को इस जदवल में दर्ज करना है जिस तरीके से हमने पहले राउंड में किया था। ये आ गया आपका जदवल, ये सिक्का उछाले जाने का दूसरा राउंड है। बच्चों इसमें भी सिक्का उछाले जाने की तादाद आप जानते हैं कि दिया गया है कि 15 दफ़ा और हेड आने की तादाद 7 दफ़ा और टेल आने की तादाद बच्चों 8 दफ़ा है। आइए यहाँ पर भी हम एहतमाल की कदर मालूम करते हैं। एहतमाल की कदर मालूम करने के लिए सबसे पहले बच्चों हम हेड का एहतमाल मालूम करेंगे, और हेड का एहतमाल मालूम करने के लिए कसर की कदर मालूम करना पड़ेगा। तो बच्चों इसमें भी हम जाब्ते का इस्तेमाल करते हैं। जाब्ते का इस्तेमाल हेड आने का एहतमाल। बच्चों यहाँ पे एक नई चीज़ करना है आपको। एक नई चीज़ क्या है, ये है बच्चों कि यहाँ पर पहले जो हमारे पास हेड पहले राउंड में हेड की तादाद कितनी आई थी, उस तादाद को और इस तादाद को, इन दोनों तादादों को जमा करना है। जी यानी कि पहली दफ़ा कितना आया था बच्चों, 3 था, और अब की दफ़ा 7, यानी कि अब की दफ़ा 7 और 3 को जमा किया जाता है, यानी कि हमें मजमूई तादाद लेना है। यहाँ पर मजमूई तादाद को लेना है। जिस तरीके से हमने मजमूई तादाद को लिया 3 जमा 7, इसी तरीके से नसबनुमा में सिक्का उछाले जाने की कुल तादाद को लिया जाता है बच्चों। तो नसबनुमा में सिक्का उछाले जाने की कुल तादाद को लेने के लिए भी हम पहले राउंड में तादाद कितनी थी, 15, और इस राउंड में कितनी है बच्चों, 15। ये 15 और वो 15 कितना होता है, 15 जमा 15। वेरी गुड, 15 जमा 15, यानी कि बच्चों 7 और 3 कितना हो गया, 10। 7 और 3 कितना हो गया,
दस, वेरी गुड। पंद्रह और पंद्रह तीस, हाँ दस बटे तीस। बच्चों जब 10 को 30 से तकसीम किया जाता है तो हमारा जवाब आता है 0.3। जो 3 के ऊपर जो एक लाइन है छोटी सी मारी हुई, उसका आपको मालूम है कि ये क्या है, 3 रिपीट हो रहा है, दोहराया जा रहा है जी। इस तरीके से बच्चों हेड आने का एहतमाल हमें क्या हासिल हो गया, 0.3। इस 0.3 को भी ऊपर जदवल की जानिब लिखते हैं 0.3। बच्चों ये हमारा हेड का एहतमाल हो गया। अब आइए टेल की तरफ, टेल का एहतमाल मालूम करते हैं। टेल का एहतमाल मालूम करने के लिए बच्चों टेल की कीमत कितनी है यहाँ पर, 8। बिल्कुल सही बच्चों, इस 8 को और इससे पहले राउंड में जो हमने सिक्के को उछाला था उसमें कितनी तादाद थी टेल की जी, 12। वेरी गुड। तो यहाँ पे हम जमा करेंगे बच्चों, 8 जमा 12 या 12 जमा 8, दोनों का जवाब एक ही होता है। 12 जमा 8 कितना, 20, और 15 जमा 15 30। वेरी गुड, 20 बटा 30। बच्चों जब 20 को 30 से तकसीम किया जाता है तो हमें जवाब मिलता है 0.67, 0.67। तो इस जवाब को जो है ना हम ऊपर जदवल की दर्ज करते हैं 0.67। तो यहाँ पर भी बच्चों 7 पर एक बारीक लाइन है, इस लाइन का मतलब आप लोग अच्छी तरीके से समझ सकते हैं कि ये 7 रिपीट हो रहा है, दोहराया जा रहा है। बच्चों अब आइए जदवल की तरफ, ये हमारा पूरा जदवल है जो दूसरे राउंड का है, ये हमारा पूरा जदवल है जो दूसरे राउंड का है। इस दूसरे राउंड में भी बच्चों सिक्के को 15 दफ़ा उछाला जा रहा था और 7 दफ़ा हेड आया था और इसका हेड का एहतमाल की कीमत आई थी 0.3। और इसी तरीके से टेल की तरफ आइए, टेल आने की तादाद 8 थी और टेल आने का एहतमाल 0.67। यहाँ पर इन तमाम कीमतों का जो इंदराज किया गया है, इन कीमतों को बच्चों हमारे और एक जदवल है उसमें दर्ज करना है जो हमारा मजमूई जदवल है जिसमें हमने पहले राउंड के कीमतों को दर्ज किया है। देखिए ये हमारा पहले राउंड का जिसमें हमने जदवल किया था उसमें पहले राउंड के तमाम कीमतों का इंदराज किया गया है। अब आइए बच्चों इस जदवल में हम दूसरे राउंड के इंदराजात करते हैं। देखिए दूसरे राउंड में 20 सिक्का 15 दफ़ा उछाला गया है और हेड 7 दफ़ा आया है और टेल 8 दफ़ा आया है बच्चों। और यहाँ पर मजमूई हेड की मजमूई तादाद लेते हुए हमने जो एहतमाल मालूम किया है उस एहतमाल का भी हमने इंदराज किया है जो क्या है 0.3 है। इसी तरीके से टेल का भी मजमूई तादाद लेते हुए और सिक्के को उछाले जाने की मजमूई तादाद को लेते हुए हमने टेल का भी इंदराज किया है जो क्या है 12 और 8 20 बटे 30 यानी कि 0.3। इस तीसरे राउंड में देखिए यहाँ पर भी सिक्के को 15 मरतबा उछालना है और हासिल शुदा हेड और टेल की तादाद का इंदराज करते जाना है। बच्चों आइए इस सिक्का उछालने की तादाद को इस जदवल में दर्ज किया जाता है। देखिए यहाँ पर सिक्का उछाले जाने की तादाद 15 है जी और यहाँ पे हेड आने की तादाद भी 7 है और टेल आने की तादाद भी 8 है। बच्चों अब यहाँ पर भी हम हेड आने का एहतमाल मालूम करेंगे और एहतमाल को मालूम करते हुए कसर को हल करके खद्र मालूम करते हैं। आइए देखते हैं कि हेड आने का एहतमाल, हेड आने का एहतमाल बच्चों यहाँ पे भी हमने 7/10 लिया है। 7/10 जो लिया है वो कैसे लिया है, मजमूई तादाद है बच्चों। इस तीसरे राउंड में हेड आने की तादाद 7 है लेकिन पहले और दूसरे राउंड को जिसमें हेड आने की तादाद 3 और 7 थी उन दोनों को भी जमा करके 10 किया था हमने, तो 7 जमा 10 होता है यानी कि मजमूई तादाद, हेड आने की मजमूई तादाद पहला राउंड
दूसरा राउंड और तीसरा राउंड, इन तीनों राउंडों के तादाद को जमा किया जाता है, तो 7 जमा 10। ठीक है, इसी तरीके से सिक्का उछाले जाने की कुल तादाद की तरफ आइए। सिक्का उछाल जाने की कुल तादाद तीसरे राउंड में 15 है और पहले और दूसरे राउंड की तादाद कितनी है, 15 और 15 30 बच्चों, है ना, बिल्कुल सही। तो 15 जमा 30 होता है यानी कि 17/45। ये कैसे आ गया 17/45, आपको अच्छी तरीके से मालूम हो गया बच्चों? जी, यानी कि हेड आने की तादाद मजमूई तादाद है पहले राउंड से तीसरे राउंड तक, और 45 पहले राउंड, दूसरे राउंड और तीसरे राउंड, इन तीनों राउंड का हासिल जमा है। ठीक है, आइए देखते हैं कि 17 को 45 से जब तकसीम किया जाता है तो हमारा जवाब आता है बच्चों 0.3। 17 को 45 0.37, इस कीमत को भी हम जदवल में दर्ज कर रहे हैं 0.37। आइए अब टेल आने का इस्तेमाल मालूम करते हैं और कसर की कदर मालूम करते हैं। बच्चों इस तरीके से हेड आने की तादाद जो पहले राउंड, दूसरे राउंड और तीसरे राउंड इन तीनों को जमा किया है, बिल्कुल इसी तरीके से टेल आने की भी तादाद को इन तीनों राउंडों की कीमत को जमा किया जाता है। इन तीनों राउंड की कीमत है 8 जमा 20, यानी कि इस तीसरे राउंड में टेल आने की तादाद 8 है, पहले और दूसरे राउंड की तादाद 20 है, तो 20 जमा 8 होता है, 20 जमा 8 होता है या 8 जमा 20 होता है, तो इस तरीके से 28/45 होता है बच्चों। 28 को जब 45 से तकसीम किया जाता है तो हमारा जवाब आता है 0.62, जिसको हमने जदवल में दर्ज किया है 0.62। तो इस तरीके से हमारा ये तीसरा राउंड है जो मुकम्मल हो गया। बच्चों इस तीसरे राउंड के इंद्राजात को गौर से देख लीजिए आप, कि सिक्का 15 दफा उछाला जा रहा है, हेड आने की तादाद 7 है और कसर की कदर 0.37 है, टेल आने की तादाद 8 है और इसकी कसर की कीमत है 0.62। आइए बच्चों हमारा जो मजमूई बड़ा जदवल है पहले राउंड का और दूसरे राउंड का जिसमें हमने दर्ज किया है, आप तीसरे राउंड का भी इसमें दर्ज करते हैं। आइए हमारा जदवल, इस जदवल में बच्चों पहले राउंड का दर्ज किया हुआ है और दूसरे राउंड का भी दर्ज किया हुआ है, लेकिन अब हम तीसरे राउंड का दर्ज करने जा रहे हैं। देखिए तीसरे राउंड का क्या है 0.37 और 0.37 और टेल का 0.62, बिल्कुल सही। अब आइए बच्चों आप इन कीमतों को गौर से देखिए, यानी कि हमारे जो एहतमाल हिट का जाहिर हुआ है उन एहतमालों की कीमतों को जरा गौर से देखिए आप। पहली कीमत है बच्चों 0.2, वेरी गुड। दूसरी कीमत है 0.3 और तीसरी कीमत है 0.37। तो बच्चों इन कीमतों को गौर कीजिए आप, सोचिए कि क्या फर्क है, क्या हो रहा है इन कीमतों में, क्या कीमतें घट रही हैं, क्या बढ़ रही हैं, क्या हो रहा है। बच्चों ये जो कीमतें हैं 0.2 से 0.3 ये कीमत बढ़ रही है, और फिर नीचे की जानिब आइए 0.37 यानी कि 0.3 से 0.37 कीमत बढ़ गई। इसी तरीके से बच्चों वो सिक्का उछाले जाने की जो तादाद है अगर वो इस तरीके से बढ़ती जाएगी तो ये जो हमारे एहतमालों की जो खतर है वो खतर जो है बढ़ते बढ़ते 0.5 के करीब हो जाएंगी। ये हमारे सिक्के का उछालने पे है। देखिए अब आइए टेल की तरफ, टेल की कीमत है बच्चों सबसे पहले 0.8, नेक्स्ट दूसरी कीमत है 0.67 और तीसरी कीमत है 0.62। इन कीमतों को भी मुआजना कीजिए 0.8 से 0.67, ये कीमत घट रही है बच्चों। इसी तरीके से 0.67 के बाद हमारी कीमत घट रही है 0.62।
तो ये कीमतें घटती 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 0.5 के करीब हो जाएंगी। तो कहने का मतलब ये है बच्चों कि जैसे जैसे सिक्का उछालने की तादाद बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे मुतालिका कसूर की खतरें 0.5 के करीब होती जाएंगी। ये हमारा इस क्लास का मेन मकसद है। अब आइए इस सिक्के में होने के बाद हम पांचे की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। यह है पांचा और इस पांचे के 6 रुख होते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि ऊपरी सतह पे जब एक पांचा फेंका जाता है तो कोई एक रुख ऊपरी सतह पे आता है। तो पांचे में मुतालिका कसूर की खतरें 0.1 के करीब होती जाएंगी। जी मुतालिका कसूर की खतरें 0.1 के करीब होती जाएंगी। लिख लीजिए, अपने कॉपियों में लिख लीजिए। सवाल है बच्चों कि एक पांचे को 8 मर्तबा उछालिए। एक पांचे को कितने दफा 8 मर्तबा उछाला है। इस काम को 3 अलहदा अलहदा मर्तबा यानी कि 3 अलहदा अलहदा ग्रुप राउंड में दोहराइए। और यहाँ पर 2 का अदद को ऊपरी सतह पर जाहिर होने को दर्ज कीजिए, नोट कीजिए और फिर मजमूई कसरों की खतर को हल करते हुए ये साबित कीजिए कि जैसे जैसे पांचे को फेंकने की तादाद बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे मजमूई कसरों की खतरें 0.16 के करीब होती जाएंगी। जी आइए होमवर्क घर का काम दूसरा सवाल लिखिए आप कि एक चिक्के को 10 मर्तबा उछाल लिए और इस काम को 5 अलहदा अलहदा मर्तबा दोहराइए यानी कि 5 राउंड करिए और हेड एट टेल आने की तादाद को दर्ज कीजिए, इंद्राज कीजिए और फिर मजमूई कसरों को हल करते हुए ये साबित कीजिए कि सिक्के को उछालने की तादाद बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे मजमूई कसरों की खद्र 0.5 के करीब होती जाएंगी। बच्चों मैं उम्मीद करती हूँ कि आप इन सवालों को बहुत अच्छी तरीके से और आसानी से हल कर देंगे और इस हल के साथ अगली क्लास में हाजिर होंगे।